Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय टू जी सी दिल्ली। मैं के पी राजपूत आपका जी सी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम लोग करके चलते हैं एलजेब्रा की लास्ट क्लास, जिसमें आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम मानक के बारे में बताया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके हैं एसएससी सीडीएस और आपका एसएससी सीडीएस के अलावा जो मिनिमम एंड मैक्सिमम आता है वो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इनमें जो तीन तरीके काम करते हैं आपके, उन तीनों तरीकों पर डिपेंड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम के जो हाइएस्ट जो स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो उनका स्टैंडर्ड है वो सीडीएस और एसएससी सीजीएल मेंस में ही आते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को एजी करने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे एक कंसेप्ट के माध्यम से कराएंगे, जिससे इस कंसेप्ट को आप कभी ना बोलो। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी सी दिल्ली। देखिए अब बात करते हैं हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की। तो इसमें मिनिमम जो और मैक्सिमम जो मान आते हैं आपके वो एक्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम मान। तो मिनिमम वैल्यू की बात करें हम, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो एक्स का मान जो मिनिमम होता है, जो एक्स का मिनिमम मान होता है वो भी इनफाइनाइट होता है और जो मैक्सिमम मान होता है वो भी इनफाइनाइट होता है। एक्स का जो मिनिमम मान होता है वो भी इनफाइनाइट होता है और जो मैक्सिमम मान होता है वो भी आपका इनफाइनाइट होता है। अब एक्स स्क्वायर की जब बात करें हम, तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान तो इनफाइनाइट होता है लेकिन मैक्सिमम मान कितना होता है, जीरो होता है। एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान तो क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान इनफाइनाइट होता है लेकिन मैक्सिमम मान कितना होता है, जीरो होता है। इसी प्रकार यदि माइनस एक्स की बात करें हम, यदि माइनस एक्स की बात करें तो यहाँ पर इन्फानाइट होता है मिनिमम मान, लेकिन मैक्सिमम मान आपका माइनस का इन्फानाइट होता है। सॉरी, मिनिमम मान आपका माइनस का इन्फानाइट होगा। किसका मिनिमम मान ही तो माइनस का इन्फानाइट होगा, लेकिन मैक्सिमम मान की बात करें तो वो पॉजिटिव होगा, इन्फानाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो आ ही नहीं सकता है। यदि हम माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो जीरो मान होगा, जो मिनिमम मान होगा वो आपका क्या होगा, जो जीरो होगा। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो जीरो होगा, लेकिन जो मैक्सिमम मान होगा वो माइनस का इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पर आपको दो बात ध्यान देनी है कि सर इनको याद कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है, यदि आप इनको कभी कभी भूल जाते हो तो यहाँ पर दिक्कत होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले याद करने का तरीका बताती है कि यदि एक्स का मान आपको ध्यान रखना है कि एक्स का मान जो मिनिमम होगा वो भी इनफाइनाइट होगा और जो मैक्सिमम होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान मैक्सिमम जीरो हो जाएगा और मिनिमम इन्फाइनाइट होगा। माइनस एक्स का मान माइनस का इन्फाइनाइट होगा, यदि माइनस लगा हुआ है यदि एक्स में तो ये मिनिमम मान क्या हो सकता है इसका, माइनस इन्फाइनाइट जा सकता है माइनस एक्स का मान। इसी प्रकार यदि मैक्सिमम की बात करेंगे तो इन्फाइनाइट चले जाएगा। यहीं पर यदि माइनस की बात की जाए तो भाई स्क्वायर हो रहा है उस जगह पर ये जीरो हो जाता है मिनिमम मान, और मैक्सिमम की बात करें तो ये माइनस का इन्फाइनाइट हो जाएगा। किसी भी संख्या को जब स्क्वायर करेंगे माइनस का तो वो क्या हो जाती है, माइनस का इन्फाइनाइट इसका मैक्सिमम मान होता है। अब बात करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको क्लियर कराते हैं। देखिए एक एग्जांपल लें, यदि मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का मैक्सिमम मान बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन का मैक्सिमम मान बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन का मैक्सिमम मान बताइए। तो अब आपको यहां से देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो मैक्सिमम मान होता है वो क्या होता है। देखिए एक्स स्क्वायर का जो मैक्सिमम मान होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो रख देंगे हम, प्लस का वन, ये क्या हो जाएगा आपका, वन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ, एक चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊं मैं आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि यदि 10 प्लस एक्स स्क्वायर पहला का मिनिमम, 10 प्लस एक्स स्क्वायर का मिनिमम 10 माइनस एक्स स्क्वायर का सेकंड क्वेश्चन है आपका, का मैक्सिमम मान बताइए।
अब आप एक बात देखिए कि यदि मैं इसके मिनिमम मान की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर के मिनिमम मान की बात करता हूँ कि 10 प्लस एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान बताइए, तब आप यहाँ से क्या देखोगे कि यदि मैं एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मिनिमम मान रखूँ, एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान रखूँ, तभी ये 10 प्लस एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान आ पाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम मान होता है वो होता है क्या, इनफाइनाइट होता है। मिनिमम मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको जीरो पुट करना पड़ेगा, 10 प्लस जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस जीरो। इसका मिनिमम मान करने के लिए 10 प्लस जीरो बराबर 10 हो जाएगा। अब 10 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान ज्ञात करें, यदि 10 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान ज्ञात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का 10 माइनस यहां पर भी जीरो होगा, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी 10 आंसर आ जाएगा। अब आपको एक बात देखनी है, मैंने यहां पर क्या किया, पहले मैं आपको यहां पर एक बात देखनी थी कि सबसे पहले मैंने यहां पर जीरो रखा, लेकिन सर यहां पर मिनिमम जो मान होता है एक्स स्क्वायर का वो इनफाइनाइट होता है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि मैंने यहां पर इनफाइनाइट रख दिया तो इनफाइनाइट का मतलब ये हो जाता है कि वो संख्या कोई भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50 इनफाइनाइट, यानी 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहां पर हमको मिनिमम मान चाहिए। क्या मान चाहिए, मिनिमम मान चाहिए। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर का क्या मान रखेंगे, मैक्सिमम मान रखेंगे। क्या मान रखेंगे, मैक्सिमम मान रखेंगे, जिससे हमारा मान जो आएगा वो मिनिमम आ जाएगा। क्या मान आ जाएगा, मिनिमम मान आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर हमने जीरो पुट किया इसलिए आपका 10 आया, यानी कम से कम मान चाहिए था हमें 10 प्लस एक्स स्क्वायर का। यदि कोई मिनिमम मान पूछता है तो वो 10 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मैं मिनिमम मान न रख करके मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो मैक्सिमम मान होता है वो जीरो होता है, जबकि जो जी और मिनिमम मान होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहां से इस बात क्लियर हो गई कि यदि यहां पर मिनिमम मान पूछा है तो हमें एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा। तो ये तो आपका पहले का आंसर हो गया, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे और आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं सेकंड, हमने कैसे सॉल्व किया, सेकंड की बात करते हैं कि यदि यहां पर 10 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम मान पूछ रखा है। अब यहां पर भी हमने एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान रखा, पता है क्यों मैक्सिमम मान रखा, तब हमें मैक्सिमम मान मिला। अब आप कहोगे कि सर यदि इसमें मिनिमम मान रखते तभी मैक्सिमम मान आता, नहीं। देखिए यदि एक्स स्क्वायर का जो मैक्सिमम मान होता है वो जीरो होता है, जब 10 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, 10, ये मैक्सिमम मान होगा। क्यों, कि यदि मैं 10 मिनिमम मान रख देता या एक्स स्क्वायर का इस जगह पर एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान रख देता तो मिनिमम मान इसका इनफाइनाइट होता है, यानी 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता था। यहां तक कि यदि संख्या 10 से ज्यादा रख देते, एक्स का मान यहां पर मैं कुछ भी रखूं जीरो को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, वो मान कम ही आएगा, 10 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमें मैक्सिमम मान चाहिए इस पूरी संख्या का, तो हमें मिनिमम मान रखना पड़ेगा। इसलिए हमने यहां से क्या मान रखा, मैक्सिमम मान रखा है, इसलिए हमारा आंसर यहां से आ गया। इन बात को आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ लेवल बढ़ता जाएगा आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि 5a, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री रखा है कि 11 माइनस 2x माइनस का मैक्सिमम मान बताइए। अब यदि मैं एक बात कहूं आपसे यहां पर कि भाई 2x माइनस का 4 है होल स्क्वायर का मैक्सिमम मान बताइए, तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो आपके आंसर क्या होना चाहिए, 2x माइनस का 4 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम मान बताइए। तो आप कहोगे कि सर यदि 2x माइनस का 4 बराबर यदि आप 0 रख दें तो इसका मैक्सिमम मान आ सकता है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी मान मैक्सिमम नहीं आ सकता। तो हमने क्या किया कि 2x माइनस 4 बराबर क्या रख दिया, 0, तो 11 माइनस का 0 यानी कि 11 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
इससे ज़्यादा आपका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। 2x माइनस 4 को यदि हम 0 रख दें तो यहाँ पर 11 आ जाएगा पूरा, और 11 माइनस 0 11 आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए यदि मैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर एक बात देखनी थी कि इसके बराबर आना कैसे था। तो हमें x बराबर यदि यहाँ पर x के 2x माइनस 4 बराबर, देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 0 कैसे पुट किया मैंने। तो 2x माइनस का 4 बराबर यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो 2x बराबर का 4 हो जाएगा और x बराबर यहाँ से 2 आएगा। तो इसी 2 को यहाँ पर पुट करते थे हम तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। यदि x का मान यहाँ पर हम 2 रखते हैं, यदि x बराबर, क्योंकि माना ये इस प्रकार से कर दीजिए आप, माना x बराबर 2, यदि x बराबर 2 पुट करेंगे हम तो 11 माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4 का स्क्वायर बराबर 11 माइनस का 0 बराबर 11 आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। अब आपको यहाँ पर एक बात देखनी है कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया था, 2x माइनस का 4 बराबर 0। अब भाई मैंने यहाँ से देख करके ये बताया आपको कि यदि मैं इस 2x माइनस के 4 बराबर यदि 0 आ जाएगा तो इसका मैक्सिमम मान निकल जाएगा। तो आपने बस मैंने वही किया कि 2x माइनस 4 बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। इस x का मान जो 2 आया मैंने इसी क्वेश्चन में रख दिया और जिससे क्या आ गया, जिससे इसका आंसर 11 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। तो चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, या आप हमारे नंबर पर कमेंट करके भी बता सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। हमारा नंबर 9012316022 पर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, SSC का क्वेश्चन है आपका ये। यदि 5 माइनस का 3a माइनस का 2b का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम मान बताइए, इसका मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान जब होगा तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 माइनस का 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम मान जब होगा तब a अपॉन v बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई यदि इसका मान मैक्सिमम होगा तो इसका मान a अपॉन v बराबर क्या होगा। अब देख पा रहे होंगे, तो देखिए सबसे पहली बात कि यदि इसका मैक्सिमम मान कब होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका मैक्सिमम मान कब होगा। तो आप कहोगे कि सर यदि 3a माइनस 2b बराबर 0 हो जाए तो इसका मैक्सिमम मान आ जाएगा कितना, 5 आ सकता है। यदि 3a माइनस का 2b बराबर 0 हो जाए, यदि 3a माइनस का 2b बराबर 0 हो जाए तो इसका मैक्सिमम मान आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए 3a माइनस 2b यानी कि 3a बराबर 2b, 3a बराबर के 2b आ गया, तो a अपॉन v बराबर 2/3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। यही क्वेश्चन पूछ रखा था कि तब a अपॉन v बराबर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसानी से आपके समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे जरूर पूछें। देखिए यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलता हूं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम में जो काम करता है वो करता है डिफरेंशिएशन पर। तो डिफरेंशिएशन के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने आपका डिफरेंशिएशन 12th में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर इतनी जरूरत नहीं है आपको डिफरेंशिएशन की। यहां पर बस एक छोटा सा कंसेप्ट काम करता है और वो कंसेप्ट बहुत ही इजी शब्दों में आपको बताऊंगा। देखिए क्या है कि भाई मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशिएशन जो मेथड है आपका उसके माध्यम से क्वेश्चन मैक्सिमम मान कैसे निकाले जाते हैं। देखिए कि भाई मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 13 का मिनिमम मान बताइए, का मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू बताओ। इसमें मिनिमम वैल्यू को मान ज्यादा पूछे जाते, हाईएस्ट मान नहीं पूछा जाता। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए अब आप यदि मैं आपसे कहूंगा मिनिमम मान बताइए इसका, तो आप क्या करोगे, इसमें
मैं आपसे कहूंगा कि इसमें जो कंसेप्ट काम करता है वो डिफरेंशिएशन वाला काम करता है। अब डिफरेंशिएशन मेथड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जानते हो करना, डिफरेंशिएशन मेथड से आपका क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने ट्वेल्थ तो पढ़ाया उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हार्ड हो जाता है। अब देखिए कि मैं आपसे कहूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर को एक पावर को कम कर दो। यदि किसी भी वेरिएबल की पावर दो है तो उसकी पावर एक रह जाएगी, यदि उसकी पावर तीन है तो उसकी पावर दो रह जाएंगी, यदि किसी की पावर नहीं है तो वो संख्या जीरो हो जाएगी। यानी यदि कोई वेरिएबल ही नहीं है, वहां पर कोई अंक है, वहां पर कोई डिजिट है, तो वो डिजिट जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का बहुत सिंपल सा मतलब बता रहा हूं मैं आपको, शायद ही कोई ना बताए कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, यदि किसी वेरिएबल की जितनी भी पावर है उसमें से पावर को एक कम कर दीजिए, और यदि कोई डिजिट लिखा हुआ है तो उस डिजिट को जीरो कर दीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को, पावर को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब जब पावर आपने कम की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस वाली पावर को कम करके जितनी भी पावर ऊपर लिखी होती है उस पावर को आगे लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उस पावर को आगे लिखना पड़ता है। तो हमने टू जो पावर चली हुई है उसे आगे लिख लिया और बची हमारी एक्स की पावर, कितनी बची, एक्स की पावर दो थी और एक डिफरेंशिएशन करने पर ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर क्या करे काम करेगा, टू एक्स आ जाएगा प्लस फोर एक्स। अब इसमें से एक्स में से यदि वन लेके आएंगे तो हम कोई काम करेगा नहीं, वन वन तो बन ही रहेगा, तो यहाँ पर फोर ही लिख देंगे। और एक्स की पावर कितनी हो गई, एक थी, अब कितनी बचेगी, एक कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। यदि किसी भी की पावर जीरो है तो संख्या क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है, ध्यान रखना। तो 2x प्लस 4 और प्लस का 13 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या कंसेप्ट काम कर रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर में जीरो लिख देते हैं। तो 2x बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 2 आ गया आपका, यहाँ से क्या आ गया, x बराबर माइनस का 2 आ गया। इस माइनस 2 को इसमें पुट कर दीजिए, वही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माइनस 2 को माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू माइनस का 2 प्लस का 13, माइनस का 4 चार दूनी 8, माइनस का कितना हो जाएगा 12, प्लस का 13 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप देख पा रहे होंगे, प्लस का 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, प्लस का 1। अब आपको एक बात देखनी थी यहाँ पर कि भाई जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आज किसी भी वेरिएबल की जो पावर चढ़ी हुई होती है उस पावर को आगे लिख देते हैं, उस संख्या के जो लिखने जा रहे हो, जिस वेरिएबल को आप लिखने जा रहे हो उसके आगे उस पावर को लिख दीजिए, और जो वेरिएबल की पावर थी उसे पावर को एक कम करके लिख दीजिए, और यदि कोई डिजिट है तो उसे जीरो कर दीजिए। बड़ा ही सिंपल तरीका है आपका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 माइनस एक्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कि 2 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स का मान बताइए, का मिनिमम मान बताओ, का मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू का मिनिमम मान बताइए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि भाई जब मिनिमम मान निकालने आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर आप गुना कीजिए, जब आप इनका आपस में गुना करोगे तो आप पाओगे यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x आएगा, यहाँ माइनस का 9x आएगा, और यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। जब इनको आप दोबारा सेल करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 और 9 एक्स जुड़ जाएंगे, माइनस का 11x हो जाएगा, और प्लस का 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपने जो डिफरेंशिएशन अभी किया था वही डिफरेंशिएशन यहां पर भी कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करने पर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमने क्या बताया था कि जिस किसी वेरिएबल की पावर चढ़ी हुई है, जो पावर दी हुई है उस पावर को कम करके लिखिए। क्या करना है आपको, एक पावर यहां से हमने क्या किया,
पावर कम कर दिया, और दूसरी बात हमने बताई थी जो पावर चढ़ी हुई है उस पावर को सबसे पहले आगे लिखना है, तो हमने दो आगे लिख ली। अब x की पावर कितनी थी, दो, अब पावर एक कम हो गई, कितनी बची, एक, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x बचेगा माइनस। हमने आपसे कहा कि भाई ऐसे ही आपको दोहरा करना है जो भी दे रखा है, तो x की पावर कितनी है, 1, 1 को हमने आगे लिख लिया, यदि हम 1 को आगे लिखेंगे और 11 गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। यदि x की पावर 1 है, एक पावर कम कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 0, और किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो वो संख्या 1 रहती है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ 11 रह जाएगा, प्लस का 18। हमने बताया था कोई भी डिजिट दे रखा है डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर में 0, तो 2x बराबर का 11, x बराबर 11/2, क्या आ जाएगा, x बराबर 11/2। अब x बराबर 11/2 आ गया, x बराबर 11/2 को उसी में पुट कर दीजिए, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 11/2 को हम इसी में पुट कर दें तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व, देखिए कि 2 माइनस का 11/2, 2 माइनस 11/2, 9 माइनस का 11/2, 2 का 2 का इसमें आपस में गुणा करोगे तो 4, 4 में से माइनस का 11 जाएगा तो माइनस का 7/2 आएगा यहाँ पर, इंटू 2 निम्मा 18, 18 में से माइनस का 11 जाएगा, 2 दुनी 4 आया था यहाँ पर, इसी प्रकार 2 निम्मा 18, 18 में से माइनस का 11 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7, 7 लेकिन प्लस का बचेगा तो 7/2, तो क्या हो जाएगा टोटल, 7 का 7 में गुणा करोगे 49, तो माइनस 49/4, 49/4 माइनस के, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही मिनिमम वैल्यू होगी। इस प्रकार जब बड़ी फ्रैक्शन बनती है तो उसमें ज़्यादातर मिनिमम मान ही पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मैक्सिमम मान होता है वो बहुत सारा हो सकता है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपका मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाता इस प्रकार की फ्रैक्शन में। तो चलते हैं, एक और कंसेप्ट है आपका, उसे डायरेक्ट याद रखिए आप, तो चलते हैं अगले लास्ट कंसेप्ट की तरफ, इसके बाद आपका एलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक कंसेप्ट है आपका कि जब कभी भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है, इस प्रकार से आपका दे रखा हुआ, यदि हम इसका इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1/x², यदि इसमें हम 2 जोड़ दें और 2 घटा दें हम, तो क्या हो जाएगा आपका, x - 1/x² + 2, ये हो जाता है कि नहीं, इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि मिनिमम मैक्सिमम मान की बात की जाती है, तो यदि x + 1/x का जो मिनिमम मान होता है वो क्या होता है, मिनिमम मान हमेशा इसका 2 होता है। इसी प्रकार √x + 1/√x, इसका भी जो मिनिमम मान होता है वो हमेशा क्या रहता है, इसका भी जो मिनिमम मान होता है वो भी हमेशा 2 ही होता है, इसका जो मिनिमम मान होता है वो हमेशा 2 ही होता है। अब एक क्या कहता है कि यदि मिनिमम मान 2 है, यदि मिनिमम मान इसका 2 है तो x = 1/x होगा, यानी कि x² = 1 हो जाएगा। यहां से मैं इसकी बात करूं कि भाई यदि x - 1/x की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो मिनिमम मान होगा इसका क्या हो जाएगा, यदि x = 1/x रख दूं मैं, यहां से इसके बराबर 0 पुट करके भाई इसका मैक्सिमम मान निकालूं मैं, x² + 1/x² का, यदि x² + 1/x² यदि मिनिमम मान निकाल ले जाऊं मैं, तो यहां पर हमें क्या मिलता है, x - 1/x² x² + 2। इसे सॉल्व करने पर यही आता है आपका, जब इसे सॉल्व करने पर आपका ए आ रहा है, तो यहां से क्या मिलता है हमें कि यदि हम इसको इसके बराबर रख दें, ये 0 के बराबर जाएगा, यदि x - 1/x को यदि हम 0 पुट कर दें, बराबर यदि हम 0 पुट कर दें तो इसका क्या मान आ जाएगा, मिनिमम मान आ जाएगा। यदि हम 0 पुट करने पर ही आपका मिनिमम मान आएगा, अन्यथा यदि मैक्सिमम मान पुट कर देंगे तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, इसलिए इसके बराबर हमने 0 पुट किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 से स्क्वायर तो हट ही जाएगा, x - 1/x = 0, x = 1/x होगा, और x² = 1 आ जाएगा।
एंड यहाँ से जो कहने का मतलब इसका था कि भाई यहाँ से हम क्या कह सकते हैं डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर ये भी वन होगा और यहाँ पर ये भी वन होगा। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान वन वन होता है, जो पिछले कंसेप्ट में आपको करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम चल रहा है। हमने आपसे कहा था कि जब कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन है, यदि दो है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी बराबर दो होगा, ये इसका मिनिमम मान होता है। तो देखिए यही हमने यहाँ पर प्रूव किया आपका कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर वन निकल के आ जाता है। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का फाइव का मिनिमम मान बताइए, का मिनिमम मान, का मिनिमम मान बताओ। ये क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव का मिनिमम मान बताइए। अब देखिए आप यदि मिनिमम मान की बात कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको कि भाई इसका भी हमें मिनिमम मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक बात को आपको ध्यान देना है कि यदि इसका ही मिनिमम मान पूछ रखा है इसमें, तो इसका हमें पूरे का क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम मान ज्ञात करना पड़ेगा। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, यदि हम इसका मिनिमम मान निकालेंगे, मिनिमम मान मान के चलिए इसका जीरो है, जीरो मान के चलिए मिनिमम, तो जीरो में से माइनस का पाँच जाएगा तो बराबर माइनस का पाँच ही क्या जाएगा इसका, ये मिनिमम मान आ जाएगा, क्या जाएगा, मिनिमम मान आ जाएगा। यदि हम इसका मैक्सिमम मान रखें, मैक्सिमम मान मान के चलिए कुछ भी रख दें, तो मैक्सिमम मान कुछ भी हो सकता है, तो चार रखें तो यदि चार में से माइनस का पाँच जाएगा तो माइनस का वन आ जाएगा, क्योंकि माइनस का वन संख्या बड़ी हो जाती है। लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, मिनिमम मान पूछ रखा है, तो यदि मिनिमम मान में से ही यदि यहाँ प्लस होता तो हम क्या करते, यहाँ पर वैल्यू जो मैक्सिमम मान रखना पड़ता है इसका, लेकिन मैक्सिमम मान पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। तो इसमें आपको क्या करना है, हमने आपको निकालना भी सिर्फ क्या सिखाया है, मिनिमम मान ही निकालना सिखाया है, और मिनिमम मान पर ही आधारित क्वेश्चन आते हैं। देखिए यदि हम यहाँ से करें कि एक्स स्क्वायर प्लस का वन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का छः हो जाएगा। अब कैसे छः हो गया, यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया है और यहाँ पर एक घटा दिया है, तो इधर माइनस वन था वो इसमें जुड़ गया, ये क्या हो गया, छः हो गया। अब आप एक बात देखिए कि भाई ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमने आपको बताया था जब इस प्रकार के फॉर्मेट में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान भी आपका दो ही होगा। तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, टू माइनस का सिक्स इक्वल टू फोर आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपका फॉर्मेट कौन सा ले गया, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन होगा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स बराबर भी दो होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी बराबर दो होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आपका बना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यही फॉर्मेट बन के आ रहा है आपका। देखिए तो इसका मान भी दो ही होगा, मिनिमम इसका मान दो होगा, तो दो में से माइनस का छः जाएगा, चार बचेगा, यही आपका इस कंसेप्ट का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, और आज की जो क्लास होगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो अगले टॉपिक हम कौन सा कराएं अर्थमेटिक से आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बाय बाय।